हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज हम दोस्तों दो कमरों का एक न्यू नक्शा डिस्कस करेंगे। छोटे से प्लॉट के लिए 14x28 फीट का प्लॉट है दोस्तों। सिंपल नक्शा है, ग्राउंड फ्लोर पर इसमें एक मास्टर बेडरूम है, साथ में एक लिविंग/गेस्ट रूम भी है, एक छोटा सा डाइनिंग एरिया और किचन भी है, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर भी दोस्तों आप इसमें दो बेडरूम्स बना सकते हैं। तो वेल प्लान नक्शा है। आई होप आपको अपने किसी भी छोटे प्लॉट के लिए इससे नक्शे के लिए कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर मिलेगा और बहुत सारी डिटेल्स इसकी डिस्कस करेंगे, तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों टाइम को बिना वेस्ट किए इसकी साइजेस और दूसरी डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों प्लॉट का जो साइज़ है वो 14x28 फीट है, यानी कि 14 फीट इसकी चौड़ाई है इस डायरेक्शन में और 28 फीट दोस्तों इस प्लॉट की लंबाई है। साउथ साइड पर फ्रंट है दोस्तों, तो 14 फीट फ्रंट। साउथ वाली साइड पर आपको यहाँ पर इसमें एक मेन एंट्रेंस गेट मिलेगा 4 फीट का, जिससे हम घर के अंदर जाएंगे। तो दोस्तों गेट से अंदर आते ही आपको छोटा सा पोर्च मिल रहा है, जहां पर आपकी बाइक्स पार्क हो सकती है। आप यहां पर अपनी 2.5 फीट चौड़ाई स्टील की स्टेयर्स बना सकते हैं फर्स्ट फ्लोर के लिए, और इसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर टैंक या फिर सेप्टिक टैंक भी यहाँ पर आप बना सकते हैं दोस्तों। इस पोर्च एरिया की चौड़ाई तकरीबन 5 फीट है, जबकि 12 फीट इसकी लंबाई है। तो दोस्तों इसी गेट से थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर ही स्टेयर्स मिलेंगी, तो आप दोस्तों यहाँ पर 2.5 फीट चौड़ाई की स्टेयर्स इजीली बना सकते हैं। दोस्तों स्टेयर्स के बिल्कुल सामने अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर इसमें एक डोर नज़र आ रहा है। ये दोस्तों ये 3 फीट का डोर है, इससे हम घर के अंदर जाएंगे, तो इसी से एंटर होते हैं घर के अंदर। दोस्तों इस डोर से अंदर आते ही आपको यहाँ पर एक डाइनिंग हॉल मिलेगा छोटा सा। आप यहाँ पर अपना डाइनिंग टेबल सेट कर सकते हैं, खाना वगैरह खा सकते हैं। 8 फीट दोस्तों इसकी चौड़ाई है और 8 फीट ही इसकी लंबाई है। दोस्तों राइट साइड पर हम आएंगे बिल्कुल इस मेन डोर से, तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा लिविंग रूम मिलेगा /गेस्ट रूम मिलेगा, जहाँ पर आप अपने सोफे वगैरह सेट कर सकते हैं, टीवी लगा सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर बैठकर टीवी भी देख सकते हैं, प्लस अपने गेस्ट वगैरह को भी इस रूम में बिठाकर सर्व कर सकते हैं। दोस्तों वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर सीट की तरफ इसमें आप विंडो भी लगा सकते हैं, ताकि इसके थ्रू रोशनी और हवा रूम के अंदर आती रहे। दोस्तों इस रूम की चौड़ाई तकरीबन 8 फीट है, जबकि 9 फीट के करीब इसकी लंबाई है। दोस्तों इस रूम से बाहर आएंगे तो आपको इस डाइनिंग हॉल में बिल्कुल मेन डोर के थोड़ा सा आगे चलकर यहाँ पर ये जो डोर मिल रहा है, ये दोस्तों हमारा किचन है। तकरीबन 5 फीट इसकी चौड़ाई है, जबकि 6 फीट लंबाई है। तो एक छोटे प्लॉट में दोस्तों अच्छा साइज़ है आपके किचन का, इसमें आपके वॉश बेसन चूल्हे वगैरह एडजस्ट हो जाएंगे। और दोस्तों किचन से बाहर आते हैं तो आपको किचन के बिल्कुल साथ ही जो डोर मिल रहा है ये वाला, ये दोस्तों हमारा मास्टर बेडरूम होगा ग्राउंड फ्लोर पर। और इसके अंदर एंटर होते हैं तो आपको तकरीबन दोस्तों 10 फीट चौड़ाई और 9 फीट लंबाई का आपको मास्टर बेडरूम मिलेगा। दोस्तों अच्छा खासा बेडरूम है एक छोटे प्लॉट में, आपके बेड्स वगैरह इसमें एडजस्ट हो सकते हैं। और वेंटिलेशन के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर 3x3 फीट का OTS रखा है, तो उसी की तरफ से आपको यहाँ पर एक विंडो भी मिलेगी, ताकि इसके थ्रू रूम के अंदर वेंटिलेशन अच्छे से हो सके। तो दोस्तों ये था मास्टर बेडरूम, और इससे बाहर आएंगे तो आपको इसके बिल्कुल साथ ही यहाँ पर डाइनिंग हॉल में टॉयलेट/बाथरूम मिलेगा। दोस्तों तकरीबन 3 फीट इसकी चौड़ाई है, जबकि 6 फीट टॉयलेट की लंबाई है। दोस्तों वेंटिलेशन के लिए आप यहाँ पर OTS की तरफ से रोशनदान भी यहाँ लगाएंगे, ताकि इसके थ्रू टॉयलेट में रोशनी भी आती रहे और स्मेल वगैरह भी इसकी थ्रू बाहर एग्जॉस्ट हो। तो दोस्तों ये था 14x28 फीट के प्लॉट के लिए ग्राउंड फ्लोर का नक्शा। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। कोई मिस्टेक नज़र आती है तो वो भी बताएं। दोस्तों मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक अपना बहुत सारा